Hello everyone, I'm your teacher for this question. Let me explain this question to you. The question says that the forelimb of a frog, a bird and a man show the same basic design or basic structure of bones. What name is given to such organs? Okay, तो यहाँ पे जो question है उसमें ये पूछा गया है कि जो forelimb है frog का, bird का और man का, वो क्या शो करते हैं? दे शो द बेसिक डिज़ाइन और वी कैन सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ देयर फोर लिम्स. तो ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? ओके, सो जो फोर लिम्ब है, ओके, सो दिस फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग, फोर लिम्स ऑफ अ बर्ड एंड four limbs of a man. Okay, अब जो frog में four limb होता है वो किस में help करता है? Help in jumping. और जो bird में four limb होता है, क्योंकि जो birds होती है उनका जो four limb होता है it is modified to their wings. Okay, तो किस में help करता है? Help in flying. And next we have four limbs of a man that help in holding and catching. Okay, holding and catching things. Okay, तो अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इनका जो फोर लिम्ब है, इन तीनों जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो फोर लिम्ब है वो क्वेश्चन में गिवन है कि दे हैव बेसिक डिजाइन, लेकिन अगर हम उनका फंक्शन देखें तो वो डिफरेंट है. तो ये किस में होती है ऐसी कंडीशन? और उन ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? ऐसे ऑर्गन्स को कहा जाता है होमोलोगस ऑर्गन्स. ओके, सो द ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, द ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ओके, दे परफॉर्म different functions और ऐसे organs को कहा जाता है homologous organs. okay, called homologous organs, right? और question में यही पूछा था कि ऐसे organs को क्या कहा जाता है, तो answer क्या होगा इस question का? homologous organs. okay, so that's it for this question. I hope you understood the explanation. Thank you.